नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कला, लेकर हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। आज हिंदुस्तान ये पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद के आबाद होने से कौन बर्बाद हो रहा है, किसको मिर्ची लग रही है और कौन नहीं चाहता कि नया कश्मीर में राष्ट्रवाद का उदय हो। सवाल इसीलिए क्योंकि कल जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटे 730 दिन यानी लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंक का जहर और नफरत की राजनीति फैलाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन मोदी सरकार की नीयत और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने हर नफरत की दीवार को गिराकर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद के बीज को बो ही दिया, जिसकी फसल जल्द पूरी दुनिया को दिखने भी लगेगी। नए कश्मीर के सपने को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द कश्मीर को आतंक मुक्त, अलगाववाद मुक्त, पत्थरबाज मुक्त बनाने की हर संभव कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ राजनीतिक ताकतें ऐसी हैं जो इस राष्ट्रवाद की मुहिम में अड़चने पैदा करने की कोशिश करती हैं आए दिन। कौन है वो लोग जो नहीं चाहते नया कश्मीर बने? कौन है वो लोग जिनको राष्ट्रवाद से डर लगता है? इसी मुद्दे पर बहस करूंगी। सवाल सुन लीजिए कि कश्मीर में लौटा राष्ट्रवाद, इसीलिए अलगाववादी है परेशान। पत्थरबाजों पर एक्शन से कश्मीरी नेताओं में टेंशन क्यों? आतंकियों पर एक्शन तो नए कश्मीरों के दुश्मनों पर कब? और देश को यह भी जवाब चाहिए कि नए कश्मीर से पाकिस्तान परस्तों का देश निकाला कब होने वाला है, इसीलिए क्योंकि जिन लोगों को नए कश्मीर की तस्वीर से दिक्कत है वो हर दिन ये गुहार करते हैं कि हमें हमारा पुराना कश्मीर लौटाइए जिसमें 370 लगा हो, जिसमें 35 ए की वापसी हो। हालांकि ये एक सब्ज बाग और ख्याली पुलाव की तरह है जो कभी नहीं पकेगा, लेकिन आज मैं ये सब जानना चाहती हूं कि इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं था और उन्हें क्यों पहले वाला कश्मीर अच्छा लगता था। सवाल कई सारे हैं, सीधे हैं, आपके हैं, पर मेहमानों से मिलवाने से पहले ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। अब ना पत्थर बरसेंगे ना बम की आवाज डराएगी ना गोलियों की गड़गड़ाहट का खौफ होगा और ना ही हत्या और अपहरण का डर होगा, क्योंकि अब नया कश्मीर बन रहा है जहां पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आतंकी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे, अलगाववादी जेलों में ठूस दिए जाएंगे और गद्दारों के मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा। बीते 2 सालों में बहुत कुछ बदला। इस लाल चौक की बात अगर मैं करूं, यहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद है और ये पूरी सड़क आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, यहाँ सैलानियों से भी ये इलाका गुलजार है, ये लाल चौक गुलजार है। यहाँ न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं। खास करके सबसे बड़ी बात ये कि उस तिरंगे का सम्मान अब इस कश्मीरियों को भी यहाँ भी हर किसी को करना होगा। कश्मीर में अब विनाश का नहीं विकास का पहिया दौड़ रहा है, जिसके साथ चलने के लिए पूरा कश्मीर एकजुट हो चुका है। हालांकि इस नए कश्मीर में अब भी कुछ लोग हैं जो नफरत और आतंकी जहर को बोने से बाज नहीं आ रहे कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा, हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। हमें इनको इनके मकसद में कामयाबी हासिल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब कश्मीर ने ठान लिया है कि इनके बहकावे में आकर विकास और विश्वास के तेज रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। आज जो है वो लोग जो है इस बात का एहसास कर रहे हैं कि 370 उनके विकास में कितनी बड़ी बाधा थी। हाँ, ये बात सही है कि 370 कुछ लोगों के सियासत में सुरक्षा कवच का काम कर रहा था, लेकिन जनता के लिए जो है वो नुकसान देता। तो आज हिंदुस्तान का सवाल यही है, गद्दार गैंग बर्बाद, घाटी में राष्ट्रवाद आबाद, देश को जवाब दो।
तमाम मेहमान जुड़ गए मेरे साथ इस डिबेट में। गुरमीत सिंह साहब रहेंगे, उपसेना प्रमुख रिटायर्ड इकबाल सिंह लालपुरा रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। ललित अंबरदार मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। जहान जैब मेरे साथ नेता हैं कश्मीर कांग्रेस से, बहुत स्वागत जहान आपका भी। अब्दुल बासित भट्ट कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं जो मेरे साथ इस डिबेट में रहेंगे। अहमद अयाज कश्मीरी एक्टिविस्ट मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मैं सवाल जहान जैब आपसे पूछना चाहती हूं, प्लीज लाइए उनको स्क्रीन पे और उनके साथ इकबाल सिंह लालपुरा को लाइएगा। जहान जैब, नई तस्वीर, नया कश्मीर कैसा लग रहा है? जी माधवी जी, मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं कि जिस नए कश्मीर का ये इतना गुणगान आप यहां पर गा रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कश्मीर में नॉर्मलसी कश्मीर के लोगों की वजह से कई साल पहले से आई हुई है और कश्मीरी लोगों की वजह से आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों से तो यहां का अमन चैन छीनने का प्रयास लगातार किया गया। दो साल तक लोगों को बंदियों और कैदियों की तरह रखा गया। दो साल तक बेसिक राइट से दूर रखा गया। ठीक है ठीक है, जहां जेब क्लियर करो। अभी अच्छा लग रहा है ना आपको? अभी अच्छा लग रहा है ना? वो कैद से भी छूट गए, नजरबंदी से बाहर आ गए, उनके उनके इरादे उनके मंसूबे काम नहीं कर रहे, अभी अच्छा लग रहा है ना आपको? अब नए कॉलेजेस बनेंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, अच्छा लग रहा है ना आपको? माधवी जी सुन लीजिए, 370 हटने के आज इतने दिनों बाद मैं आपको 370 मुद्दे गिना दूंगा जिन पर भारतीय जनता पार्टी वाले खोखले वादे करके चले गए हैं। आपके होमगार्ड वाले आपकी सुरक्षा में लगे हुए, मेरी सुरक्षा में लगे हुए 2700 रुपए तनख्वाह लेके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके डेंटल सर्जन जिनके लिए मोदी जी ने तालियां और थालियां बजवाई थी, घंटियां बजवाई थी पिछले एक महीने से इस तानाशाह सरकार के खिलाफ। जान जैब सुनिए, जान जैब आप प्रॉब्लम्स गिनाइए, लेकिन दो सालों में अंतर तो आप देख पाए होंगे ना? अंतर तो अच्छा लग रहा है ना? ये बताइए प्रॉब्लम जो गिना रहे हैं, सुनिए सर सुनिए, ये दो ही सालों की प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं या पिछला जो 370 था तब की प्रॉब्लम्स भी आपको पता है? तब की प्रॉब्लम्स भी पता होंगी ना? उससे तो निजात पा लिए ना? मैं आपको जो प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी टीआरपी से उठकर है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपके टीवी चैनल को टीआरपी नहीं। सुनिए ऐसा है जहां अगर आप थोड़ा सा अपडेट नहीं है तो मैं बता दूं, टीआरपी नहीं आती, अब टीआरपी आ ही नहीं रही है। तो मुझे आपसे बुलवा के टीआरपी का कोई लोभ नहीं है, मुझे आपसे बुलवा के वहां की बात सुननी है, जो आपका पक्ष है वो सुनना है। क्लियर हो गया? अब आप ये टीआरपी टीवी बीजेपी ये सब बंद कर दीजिए, आप अपनी बात बताइए। दो साल में बदले कश्मीर के साथ आप चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना सर? मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप सरकार को खुश करने की बजाय आज राष्ट्रीय चैनल पर लोगों के इन मुद्दों पर बहस हो रही होती तो लोग भी देखकर खुश हो रहे होते। अरे जब देखो अलगाववाद, पाकिस्तान, आतंकवाद, क्या लेना देना है हमें इन मुद्दों के साथ? क्यों लेना देना नहीं है? लगातार रोज देश की समस्याओं को कौन डिस्कस करेगा? सरकार के सामने आप रखिए ना, अलगाववाद वहां खत्म हुआ कि नहीं? हाँ, वहां आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं? वहां के बच्चे डेवलपमेंट देख पाएंगे कि नहीं? वहां का टैलेंट वहां के काम आ पाएगा कि नहीं? आपकी रिपोर्टर की ही अभी रिपोर्ट देख रहा था, वो कह रही थी कि अब कश्मीरियों को और इन नेताओं को तिरंगे का सम्मान करना होगा। अरे कौन नहीं करता था सम्मान? हमें जान से प्यारा है तिरंगा, हम जान दे देंगे तिरंगे की रक्षा के लिए। आप बिल्कुल, 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 तिरंगे बिल्कुल, की रक्षा बिल्कुल बिल्कुल देखा देखा सर, देखा देखा आपको हमने देखा कैसे महबूबा मुफ्ती उसको हटा के अपने टेबल से रखी थी। प्रिया मेरे साथ जुड़ी है, प्रिया पहले मुझे तस्वीर दिखाइए, जन्नत की तस्वीर जो इन दो सालों में लाल चौक पर जब इंसान खड़ा होता था इन दो सालों से पहले तो देश के बड़े आंदोलन इस लाल चौक ने देखे हैं, आज वो तस्वीर हटके है। मैं चाहती हूं कि तस्वीर पहले लोग देखें लाल चौक की। इसी लाल चौक पर 5 अगस्त यानी दो साल पूरे हो जाएंगे जब आप खुल के इस हवा में सांस ले पा रहे हो।
बिल्कुल, देखिए उसी लाल चौक पे मैं मौजूद हूँ और जिस आर्टिकल 370 के हटने के बाद की कश्मीर की जो बात की जा रही है उसकी तस्वीरें मैं यहाँ लाल चौक से दिखा रही हूँ। देखिए ये वो शहर है जो कभी कभी थम जाता था और यहाँ से पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं, हिंसक झड़प की भी तस्वीर सामने आई है। और देखिए सही कहा आपने कि इस लाल चौक पे देखिए सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो खास करके मीडिया भी है वो हमेशा से टारगेटेड रहती थी, जो लोग हैं वो डरे सहमे रहते थे। और इस वक्त शाम का वक्त है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आराम से इस वक्त यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा पा रही हूँ। मार्केट कितनी चहल पहले, ये भी तस्वीर आप देख लीजिए, ये वही लाल चौक है जहां से कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसे देख करके मन से हर उठता है। उसी लाल चौक की दूसरी साइड की मैं कहूंगी जय को तस्वीरें दिखाइए, ये हर तरफ दोनों तरफ लाल चौक के जो मार्केट है वो है, ये यहां पर क्लॉक टावर है और यहां मार्केट में लोगों की भीड़ देखिए, स्थानीय लोग भी आपको दिखाई देंगे और टूरिस्ट भी यहां पर आते हैं क्योंकि जो भी श्रीनगर आता है वो यहां पर जरूर आता है। और इसकी ये तस्वीर, बात डेवलपमेंट की हो रही थी, बात शिक्षा के स्तर को सुधारने की हो रही थी, युवाओं को लेकर के बातचीत हो रही थी, तो तस्वीरें वो मैं लगातार श्रीनगर से देख रही हूं, लोगों से बातचीत भी की है मैंने और देखा है जिस तरीके से दिल्ली के बाहर की किसी भी शहर की हम बात कर ले, देखिए विकास का जो काम है हर तरफ यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर चीज को दुरुस्त किया जा रहा है, शिक्षा का स्तर उसको सुधारा जा रहा है और इसके अलावा स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसे सुधारा जा रहा है, जो यहाँ पर अस्पताल है वो तमाम सुविधाओं से लैस भी किए जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य और किसी भी शहर के विकास के लिए, उसके स्तर को सुधारने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सीआरपीएफ की तरफ से भी जो यहाँ पर क्योंकि फोर्सेज जितनी भी डिप्लॉय की गई है, जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, प्राथमिकता और कोशिश यही रही है कि सिविलियंस के साथ यहाँ के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तमाम तरीके के उनकी तरफ से भी जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को अवेयर किया जा रहा है, यूथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ताकि देखिए अभी जब यहाँ श्रीनगर सेक्टर के IG से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी बताया कि उनकी तरफ से भी क्या कुछ पहल किया गया है और इसके अलावा यूथ को जोड़ने के लिए, साथ लाने के लिए क्या कुछ उनकी तरफ से भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि लोग अवेयर हो, सिविलियंस अवेयर हो। वो ये बता रही थी कि लोगों को यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन की स्थिति होती है, उस कंफ्यूजन की स्थिति में कई बार आप गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, कदम आपके गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को भी अपने साथ जोड़ने की वो बात कहती नजर आई। और इन 2 सालों में कश्मीर में बेशक देखिए आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो कम जरूर हुई है लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। रातों रात तो आतंकवाद यहां पनपा नहीं था, पनाहगारों ने इन्हें पनाह दिया और उसके बाद घाटी में दहशत फैलाया गया और ये हमने देखा है। लेकिन अब चूंकि 2 साल आर्टिकल 370 को खत्म होने के बाद जितनी भी यहां पर चीजें बहाल की गई हैं, अब जिस नागरिकता को लेकर के बात हो रही थी, जिस तिरंगे के सम्मान की बात हो रही थी वो अब से पहले अनिवार्य तो नहीं था, यहाँ 370 के बाद ये स्पष्ट कर दिया गया कश्मीर का अलग कोई झंडा नहीं होगा, तिरंगे का सम्मान हर किसी को करना होगा, यहां भी लोग सम्मान करते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान के ही निवासी हैं और इनके दिल में हिंदुस्तान बसता है। और कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर जितना खूबसूरत है, लोग सिर्फ देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन